सो हेलो देयर एवरीवन, आई होप यू ऑल आर हैविंग अ गुड डे। तो यार आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं जा रहा हूँ फिर से कनाडा के अंदर वॉलंटियरिंग करने। आज है कनाडा डे और आज मैं जा रहा हूँ कॉलेज की तरफ से ऑफ कैंपस वॉलंटियरिंग करने। यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे वॉलंटियरिंग करनी है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। अब मुझे नहीं पता वॉलंटियरिंग के अंदर बेसिकली क्या क्या होगा क्या क्या नहीं, बट कनाडा डे है तो काफ़ी अच्छा होगा। हमें एक टी शर्ट मिलेगी वहाँ पे और सारा फूड इंक्लूडेड है। तो जैसी अनाउंसमेंट आई थी वॉलंटियरिंग की, मैंने और मेरे एक दो दोस्तों ने अप्लाई कर दिया था साथ में, हमें वो लकीली अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो आज वहीं पे जा रहे हैं। आज बसेस की सर्विस बंद है जो ट्रांजिट है, लेकिन यहाँ से हमें शटल सर्विस लेके जाएगी। तो मैं रेडी हो गया हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया। अब यहाँ से डायरेक्ट चलते हैं जहाँ से शटल मिलेगी, वहाँ से फिर आगे वो हमें पहुँचा देगी लोकेशन पे जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। एंड अब चलते हैं और बहुत मज़ा आएगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी जाके कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस आउट ना करो। एंड अब आगे चलते हैं वीडियो के अंदर। तो यार अभी मैं जा रहा हूँ जहाँ से शटल सर्विस मिलेगी, तो अब जाके देखते हैं कि कहाँ से मिलेगी। यहाँ पे लोग तो खड़े हुए हैं और बोर्ड भी लगा हुआ है। तो ये है लोकेशन, यहाँ से शटल सर्विस मिलेगी। तो यहाँ पे पहुँच गए हैं और अब वॉलंटियर हेडक्वार्टर्स की तरफ जा रहे हैं, फिर जाके देखते हैं क्या सीन है, वो आपको भी साथ लेके चलते हैं। और काफ़ी अच्छी वाइब है यहाँ पे, काफ़ी बढ़िया है सारा कुछ, दिखाता हूँ आपको। लायंस पार्क एरिना मेन एंट्रेंस, तो ये वॉलंटियरिंग हेडक्वार्टर्स हैं, यहाँ चलते हैं। या गोइंग, तो यहाँ से टी शर्ट्स लेते हैं। व्हाट डू यू वांट, वाइट और ग्रे? आई विल गो फॉर वाइट। आई गो या वाइट लुक्स लोकी बेटर, या जस्ट बिकॉज़ यू नो इट पॉप्स द कैनेडा डे मोर। आई एम अ स्टूडेंट विद कॉनस्ट्रगर कॉलेज एंड वी आर कंडक्टिंग अ रिसर्च फॉर लाइक फॉर आई मीन यू वांट यार। अभी इवेंट के ऊपर ही हूँ और मुझे टास्क मिला है सर्वेज लेने हैं लोगों के, कि उनको इवेंट के बारे में कैसे पता चला और उनका मेन पर्पस यहाँ पे आने का क्या है। एंड देन उनका अगर जिप कोड मिल जाए तो बस एनोनिमस विदाउट नेम जैसे सर्वेज लेने हैं ताकि सर्विसेज को इम्प्रूव करा जाए। बस यही है वॉलंटियरिंग के अंदर। और यार यहाँ पे बहुत अच्छा सीन बनाया हुआ है, मतलब सारा कुछ बहुत बढ़िया है। शाम को यहाँ पे फायरवर्क्स वगैरह हैं, प्रॉपर इवेंट बना हुआ है। मैं आपको सारा कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पे फूड ट्रक्स लगे हुए हैं, फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं, एंड देन प्रॉपर सिक्योरिटी है सारा कुछ, मतलब सब कुछ एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ऐसे फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं हर जगह एंड लोग आए हुए हैं अपने डॉग्स को लेके फैमिलीज के साथ। और ये मैं सर्वे ले रहा हूँ लोगों का। एंड वहाँ पे बैंड चल रहा है, यहाँ पे सिटिंग है। उसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं कपड़ों के, ज्वेलरी के, एंड देन वहाँ पे राइड्स भी हैं। मतलब बहुत ही अच्छा इवेंट है, बहुत बढ़िया है। अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 8 सर्वेज ले ली हैं एंड ये शीट फिल आउट करनी है। एंड उसके बाद जो मेरे मैनेजर है उन्होंने ये भी बोला है कि वो मेरे को स्पॉन्सर्स और बिजनेस ओनर्स के साथ कनेक्ट करवाएंगे स्पॉन्सर लॉन्च में। तो ये काफ़ी अच्छी जगह है एक नेटवर्किंग के लिए, मतलब अगर आपको नेटवर्किंग पसंद है तो ऐसे के इवेंट्स पे आपको जाना चाहिए। आप लोगों से बात करते हो, आप उनको अपने आइडियाज़ पिच आउट कर सकते हो, या इट्स जस्ट आप एक नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो बात करके या कुछ भी। मतलब काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट डोमेन से आपको लोग मिलते हैं अलग अलग जगह से, कैनेडियंस, डिफरेंट कल्चर्स के लोग। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपको ऐसे इवेंट्स पे जाना चाहिए। एंड यहाँ पे मैं अभी आपको आसपास का सारा सीन दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छा बना हुआ है सारा कुछ एंड काफ़ी टाइप्स के स्टॉल्स हैं। आपको स्टॉल्स भी दिखाता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे एक क्लोथ का बना हुआ है, उसके अलावा टॉयज़ का है, पहले ये दिखाता हूँ, फिर फूड वाली साइड पर चलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर राइड्स वगैरह भी हैं, काफ़ी कुछ है।
तो यहाँ पे ऐसे क्लोथ के स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये टॉयज का है। 83 folks, 3 for 25. All the toys, all the games. Clothes. तो ये कोडिंग कैंप्स वगैरह का बना हुआ है एंड यहाँ पे भी क्लोथ्स वगैरह हैं। That's good. Pass. यहाँ पे भी डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे आपको ज्वेलरी मिल जाएगी, सन ग्लासेस वगैरह ये सब है। आओ आपको दिखाता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ यहाँ के फूड ट्रक्स जो डिफरेंट डिफरेंट बने हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे हैं और रंगोली का भी है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, प्रेट्ज़ल्स। तो ये कैनेडा डे का शेड्यूल है 12 टू 6 पीएम तक का, उसके बाद जो बाकी का रात का है। तो सारा कुछ इन्होंने लिखा हुआ है, जैसे 12 बजे रंपल एंड फ्रेंड्स का शो है, उसके बाद ये सारा कुछ इन्होंने लिखा हुआ है। 11 एम टू 11 पीएम मार्केट प्लेस वेंडर्स हैं, किड जोन है, फूड वेंडर्स है, डग द ग्रेट का शो है 2 से 5 पीएम। अभी जस्ट लंच मिला है तो दिखाता हूँ तुम्हें क्या है लंच के अंदर। तो मैंने वेजी रैप्स लिए हैं, साथ में थोड़े से लेस, और ये पोटैटो सैलड है, इसने भी पोटैटो सैलड लिया। एंड देन ही गॉट मैक्रोनी सैलड एंड विच वन इज इट, हैमबर्गर, नाइस। जो स्पॉन्सर्स हैं उनके लिए फूड वगैरह रूम्स के अंदर पहुंचाया अभी, तो इसको वापस रखने जा रहा हूँ फ्रिज में, एक्स्ट्रा था थोड़ा। I was going around any place that people socialize and trying to connect. There's a place, Polish Hall, that is fantastic. It's
bunch of people dancing and having fun. And happy Canada Day, everyone. Good afternoon. Thank you so much for the opportunity to be here and represent the Brantford International Villages Festival. So what you see here on this stage, these beautiful men and women in their vibrant costumes are representing the 15 villages that will be participating. पे मेरे साथ वॉलंटियरिंग करने आए थे उनका एक्सपीरियंस लेते हैं, पूछते हैं कैसा जा रहा है उनके लिए सारा कुछ। हे हाउ आर यू, व्हाट्स अप, हाउ इज योर वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस गोइंग सो फार? ओह इट्स एक्चुअली ग्रेट, मीटिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल, लाइक द एनवायरनमेंट इज ग्रेट, जस्ट वाइब्स यू नो। व्हाट एल्स, I mean, I got to meet Tracy, Lori, they're awesome at this. We got to interview a lot of people, get to ask their vibes. You know, Canada, it's great. So how's your volunteering experience going so far? It's going good. We had some fun, we had some drinks. We met some nice people like Mayor and all of those, and then it was fun. That's good to know. Would you like to say something about your volunteering experience? It was great. I was working here on yesterday as well. We were setting up all the fence and all, and now we are meeting all the committee members. So yeah, it's good experience to gain some connections and all. Thank you. Is it your first time volunteering in Canada? Yeah, it is my first time. Like, this is my first even. Are you looking forward to do more of them? Yes, I am already applying for another volunteering companies and all, private companies, and let's see. I've already mailed them, but I'm waiting for their reply. So yeah, let's see. Thank you guys, thank you so much. जैसे कि आपने देखा, सारा इवेंट बहुत ही अच्छा रहा और अभी भी इवेंट चल रहा है। अभी रात के 9:30 हो गए एंड मैं अप्रॉक्सीमेटली 11 बजे यहाँ से निकल जाऊँगा, क्योंकि 10:30 के बाद आखिरी है, बस इवेंट एंड हो जाएगा। तो हेल्प वगैरह करवा के, जो भी हैं टेबल्स वगैरह अंदर रखवा के, रैप अप करवा के 11:30 तक रात को मैं निकल जाऊँगा। एंड ये इवेंट्स यार बहुत ज़रूरी होते हैं लाइफ के अंदर, क्योंकि ये आपको, मतलब अगर आप एक इस पर्सपेक्टिव से देखो ना, कि अगर आपको नेटवर्क करना है तो ऐसे की वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए। अब मैं मेयर से मिला, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बंदे से भी मिला, उसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट लोग थे जो बिजनेस ओनर्स थे, पॉलिटिशियंस थे, उनसे बात करी, नॉर्मल उनको बोला, जैसे मेरा एज अ वेब डेवलपर रोल है, राइट, मैंने उनको, बिजनेस ओनर्स को बताया कि अगर आपको वेबसाइट्स वगैरह बनवानी हो तो आई एम द पर्सन यू कैन रीच आउट टू, एंड आई एम इवन अप टू डू इट फॉर फ्री इनिशियली, ताकि नेटवर्किंग हो पाए। मतलब यार नेटवर्किंग के लिए बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, और मैं इतने लोगों से मिला ना, इतने सारे बिजनेस ओनर्स से,
तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनका लिंक्डइन लिया, मैंने उनसे अपनी ईमेल शेयर करी, उनकी ईमेल ली एंड बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिला, उनसे बातें करी। एंड यही होती है नेटवर्किंग, यू नेवर नो कि अगर आपको अपनी फील्ड के अंदर जॉब चाहिए कौन सा बंदा कब काम आ जाए, या फिर एज अ रेफरेंस कौन से बंदे की कब रेफरेंस काम आ जाए। तो ये सब इवेंट्स पे आपको ज़रूर जाना चाहिए। एंड इसके बाद अब फायरवर्क्स है, वो सब देख के बस सारा रैपअप करवा के घर जाऊँगा एंड बस आगे वीडियो के अंदर शॉर्ट्स देख लो। एंड आई होप ये आपको व्लॉग अच्छा लग रहा होगा अभी तक, क्योंकि इस व्लॉग के अंदर मैंने आपको पूरा कैनेडा डे का दिखाया सुबह से लेकर रात तक का। और वॉलंटियरिंग का मतलब ये नहीं होता कि यू आर गेटिंग पेड, इट्स जस्ट कि आप वॉलंटियरिंग कर रहे हो कम्युनिटी के अंदर, अपना सपोर्ट दिखा रहे हो, कम्युनिटी की हेल्प कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। यू आर जस्ट वर्किंग फॉर फ्री, इन रिटर्न यू आर बिल्डिंग योर नेटवर्क एंड गेटिंग रेफरेंसेस, enjoying it and then getting maybe a certification. So यही सब है। एंड अब मैं फिर से चलता हूँ बाहर, ये वाला पार्ट रिकॉर्ड करने आया था एंड बाहर जाके दिखाता हूँ क्या सीन है। तो आओ चलते हैं। काफ़ी अच्छा रहा इवेंट, आपको फायरवर्क्स भी दिखाए। अब घर जा रहा हूँ बस, और बहुत ज़्यादा इंडिया जैसे रश लगा हुआ है, पूरा ट्रैफिक। और बस यही था वीडियो में गाइस, आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।